महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हाँ कि जम्मू के हक च हमेशा भेदभाव किया जाता है। अं गलाने कि जम्मू जरा सा सौहार्द ये बिगाड़ने की साजिश होया करती है और बहुत गहरी साजिश जी रची जा करती है और अं इस चीज़ की कभी बर्दाश्त नहीं करे कि जम्मू के ना माहौल ही खराब किया जा। ये महबूबा सरकार की बड़ी नलायकी है कि जोड़ा साढ़े लोगों ही कि ना उन्दे जो पेशेंस है उनकी खत्म करे करती है और मैं गलाना चाहना है साढ़े धीरे का जोड़ा फॉलो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हाँ हिंदू सब जागी है लोग जागी है तो समझो कि इस जम्मू का क्या हाल होग। अं ऐसी चीज़ें कहीं बर्दाश्त नहीं करे क्यों एक विशेष समुदाय गलत रहता है कि तुम जितने जमीन बना कब्जा करे वो जमीन तोड़ी है और कोई पुलिस उपर एक्शन नहीं करे ये क्या सारे भेदभाव सीधा लुभदा नहीं है। जो कहते कि हिंदू इतने जे एंड के बिच अल्पसंख्यक है उसके बावजूद भी फायदा जोड़ा है वो कश्मीर से मिले करता है। मैं गलाना चाहना कि ये सब सुते हैं और महबूबा सरकार भी मैं गलाना चाहना है इस चीज़ पर जरा आदेश है इसी वापस लिता जाए नहीं तो बड़े को बड़ा अंदोलन होगा उस अंदोलन का जिम्मेवार सरकार होगा और एक महबूबा मुफ्ती हो जाए। आज डोगरा सदर सभा कठुआ की तरफ से मैडम महबूबा मुफ्ती का आज हमने पुतला जलाया है। मैं कहना चाहूँगा जब से महबूबा मुफ्ती ने कमान संभाली है जम्मू कश्मीर की तब से इनका एक ही नारा है जम्मू का इस्लामीकरण करना जम्मू को जिहाद की आग में सुलझाना। इसकी गलत नीतियों के कारण आज पूरा का पूरा जम्मू जो है जल रहा है। चाहे आप नुशहरा की बात करो चाहे कारागोर की बात करो चाहे सुंदरबनि की बात करो चाहे जम्मू प्रोविंस पूरे की बात करो आज पूरा का पूरा जम्मू जो है आज आग में जल रहा है। जम्मू के शेर आज कहाँ डेरोगे कहाँ है जम्मू की रखवाली कौन करेगा भाई जम्मू का इंसाफ कौन चलाएगा। मैं कहना चाहूँगा पिछले 25 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमने हमारी 25 साल की मेहनत का नतीजा ये है कि आज हमने 25 विधायक वहाँ पर असेंबली के अंदर चुनकर भेजे और वो भी इसलिए नहीं भेजे कि आप वहाँ पर जाकर अपनी सरकार बनाओ इसलिए कि जम्मू के साथ जो बरसों पुराना भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हमने वहाँ पर असेंबली के अंदर वो लोग भेजे। लेकिन कायर नीटर और ऐसे गठिया किस्म के लोग आज अपनी सरकार बनाकर बैठे हुए हैं जम्मू के हक में कोई भी बोलने वाला राजी नहीं है। चलाया हम चाहते थे जम्मू के साथ नौकरियों में भेदभाव कहाँ कहाँ 10,000 लोग लग रहे हैं जहाँ पर 100-100 बंदा लग रहा है। यस डोगर सदर सभा कठुआ के बैनर के नीचे था और इसका जो मेन कारण था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ चढ़वाल हीरानगर के अंदर जो कांड हुआ था कल उस पे जो वो लोग एक रोज मार्च निकाल रहे थे सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे उन लोगों पे लाठीचार्ज किया गया जो कि कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसकी तरफ से लिया गया। हम ये डिमांड करते हैं जहाँ से महबूबा मुफ्ती का पुतला हमने इसीलिए जलाया है कोई भी लोग नहीं चाहते तो अपने सीएम का पुतला जलाया जाए पर अगर सीएम काम ठीक नहीं करती है तो लोगों में रोष बढ़ता है। मैं आज सीएम को यहाँ से अपने बैनर के नीचे से ये चेतावनी देता हूँ अगर इस तरह के फैसले विषय में लिए गए तो जो हमारे लोग जो डोगर थोड़ा सभा के हैं कठुआ के सारे लोगों के साथ मिलकर इस जम्मू कश्मीर की सरकार का तख्तापलट कर देंगे और जो लोग चाहते हैं तो जो इस छोटी बच्ची के साथ जो भी दुष्कर्म जिन लोगों ने किया है वो तो किसी भी फिरके के लोगों उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा तब भी हो सकती है जब इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाएगी। हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके और जो लोग भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रह सके। जय हिंद जय भारत की तरफ से हमने महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाया और ये जो पुतला जलाने का मकसद एक ही था कि हमारी भावनाओं से जो खिलवाड़ ना करे। हम ये बता देना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे हम महबूबा मुफ्ती को गली गली में हर जगह में इसको रोकेंगे और ये जो हमारे भावनाओं की खिलवाड़ कर रहे हैं जहाँ के कुछ चैचन जो ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती तीनों खितों का हिसाब रखती है लद्दाख का कश्मीर का जम्मू का मैं कहता हूँ उसको सिर्फ कश्मीर दिखता है सिर्फ कश्मीर सब कश्मीर और कुछ नहीं दिखता। हम लोगों को जिंदे जिंदे जला रही है वो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस दिन ये जो गंदे फैसले ले रही है ये जिहाद जो जम्मू कश्मीर में पैदा कर रही है जिस दिन हमने पत्थर उठा लिए बंदूकें उठा ली मैं कहता